आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपके क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम किसी दूर के फ्रेंड से इनविटेशन मंगा सकते हैं और उसके बेस पे वीज़ा लग सकता है। इनविटेशन किसी भी देश से हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से या यूएस, कनाडा से, यूके, शेंगेन से, कहीं से भी, राइट। तो अगर मंगवा सकते हैं तो कैसे मंगवाएँ और वीज़ा किस तरीके से लगवाएँ और किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, प्रोसेस किस तरीके से होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हैं। ख़ासतौर से तब आए हैं जब इनविटेशन के बेस पे हमने जो इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले अपलोड की थी कि आप इनविटेशन के बेस पे कैसे वीज़ा लगा सकते हैं, तो उसके बाद ये क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रीक्वेंट हो गए। तो हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा पब्लिक होनी चाहिए। तो अगर आप इनविटेशन किसी को भी बाहर जानते हैं जो आपको इनवाइट करना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है कि आइए, देखिए, मेरे साथ रहिए, मेरा देश देखिए, हम दोनों साथ में देखेंगे, फलाना धमकाना, कुछ भी रीज़न हो, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। ये प्लस पॉइंट और साथ में नेगेटिव पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट ज़्यादातर केसेस में होता है, लेकिन कुछ केसेस में नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक समझें। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी वीज़ा अप्लाई ना करें। मैं हर बार ये चीज़ आप लोगों को एडवाइस करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोग ये सारी चीज़ें काफ़ी फॉलो भी करते हैं। आपके कमेंट्स आते हैं, हम कई बार नोटिस भी करते हैं, लोग आप लोग बताते हैं कैसे आपको वीज़ा मिला, ये वो, तो ये अच्छा लगता है। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप एंड तक देखें ताकि आप ये कंसेप्ट को समझ सकें अच्छे से। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। अब देखिए, इनविटेशन वीज़ा के लिए आप समझ गए होंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। यानी जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है वो काउंसलेट को या एम्बेसी को या हाई कमीशन को ये कह रहा है कि भाई मेरा नाम XYZ है और ये ABC हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, मैं इनको इंडिया से इनवाइट कर रहा हूँ अपने देश कनाडा में मुझसे मिलने के लिए इस डेट से इस डेट तक, और मैं इनका यहाँ पे बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्चा उठाता हूँ, या ये मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर पे रहेंगे, या फिर ये मेरे साथ नहीं रहेंगे, होटल में रहेंगे, लेकिन मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे फंक्शन है, 2 दिन का फंक्शन है, वो अटेंड करने के लिए, जो भी वट एवर इट इज़, राइट। तो ये हो गया जो इन्वाइटर आपको बुलाता है कोई भी, उसका पर्पज़। अब क्या इन्वाइट कोई भी कर सकता है? बिल्कुल सही, बट क्या सभी के इन्विटेशन पे वीज़ा मिलता है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। जो भी आपको इनवाइट करता है, मान लेते हैं फ्रेंड है, क्योंकि फ्रेंड की इनविटेशन के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो अगर आपके फ्रेंड आपको बुलाना चाह रहे हैं तो उनको पर्पस डिफाइन करना होगा। क्या वो आपको कैजुअली बुला रहे हैं कि ठीक है आप आइए, कोई बात नहीं, मेरे से मिलिए, बड़े टाइम से मिले नहीं है। दूसरा, क्या वो कोई ओकेशन है, जैसे हो सकता है उनकी शादी हो रही हो या उनके घर में किसी की, भाई बहन की, बच्चों की शादी हो रही है, उसके लिए आपको बुला रहे हैं। तीसरा, क्या उनको वहाँ पे कोई सेरेमनी है उनकी, कोई अचीवमेंट है जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उसका पार्ट बने। तो जो भी पर्पस है वो पर्पस को आपको बड़े अच्छे से उनसे उन्हीं के इन्विटेशन पर लिखवाना होगा। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि मैं इनको इनवाइट करना चाह रहा हूँ, आपको ये भी लिखवाना होगा कि उस इनविटेशन का पर्पस क्या है। साथ में डेट्स को स्पेसिफाई करना होगा कि वो आपको किस डेट से किस डेट तक बुलाना चाह रहे हैं। उदाहरण के तौर पे वो मान लीजिए ओकेशन है जो 3 या 4 जून की है, तो ज़रूरी नहीं कि 3-4 के लिए बुला रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको 1 हफ्ता पहले बुलाना चाह रहे हो ताकि भाई आप थोड़ा सा इन द मीन टाइम थोड़ा घूम फिर भी लें, उनके साथ टाइम स्पेंड भी कर लें, तो ये भी पॉसिबल है। वो लिख सकते हैं कि भाई ऑल्दो द ओकेशन इज़ ऑन 3 एंड 4 आई एम इन्वाइटिंग दिस पर्सन या इन्वाइटिंग मिस्टर X ऑन 28th ऑफ जून या 30th ऑफ जून एंड ही विल डिपार्ट। और ये नहीं कि भाई 4 को फंक्शन खत्म हो रहा है तो शाम को फ्लाइट लेके चले गए, वो भी नहीं, उसके बाद भी 3-4 दिन का गैप आप आराम से दिखा सकते हो। ये तो मिनिमम है, आप इससे ज़्यादा भी दिखा सकते हो। और जो भी उनका पर्पस है, जैसे वो लिख तो देते हैं कि हमारा ये पर्पस है, साथ में उनको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो लिख देते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे एक फैमिली फंक्शन हो रहा है, इतना काफ़ी नहीं है, फैमिली फंक्शन को भी थोड़ा सा एलेबोरेट अगर वो कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली फंक्शन है क्योंकि माय ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, फैमिली फंक्शन है बिकॉज माय सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड और माय चिल्ड्रन, माय डॉटर और माय सन इज़ गेटिंग मैरिड, जो भी है, दैट्स व्हाई आई एम इन्वाइटिंग माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो आप अपने इन्वाइटर को ये चीज़ ज़रूर बताएं। अब जो इन्वाइटी हैं, इन्वाइटी मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं, इन्वाइटर हो गया जो इन्वाइट कर रहे हैं, इन्वाइटी जो आप ट्रैवल करने वाले हैं, तो इन्वाइटी को भी यहाँ पर कवर लेटर में ये चीज़ स्पेसिफाई करनी होगी। ठीक है, आपका इन्विटेशन लेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कवर लेटर में सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे आई एम गोइंग बिकॉज माई फ्रेंड इज़ इन्वाइटिंग मी, दैट्स नॉट इनफ। आपको थोड़ा सा उसमें एलैबोरेट करके अपना बॉन्ड जस्टिफाई करना होगा। वी हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड, आई एम सो हैप्पी दैट माई फ्रेंड्स sister is getting married, I want to be a part of the occasion because we have been very close in the family, XYZ कैसे, ऐसे करके थोड़ी सी भूमिका यहाँ पे आपको बांधनी होगी और थोड़ा सा अपने पर्पस को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। जैसा उन्होंने किया वैसा आपको भी करना होगा, लेकिन ओवर एक्सप्लेनेशन से बचें। ये चीज़ मैं इन्वाइटर के लिए भी कह रहा हूँ और इन्वाइटी के लिए भी कह रहा हूँ। ओवर एक्सप्लेनेशन इन द सेंस कि भाई मैं इनको इन्वाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक तो ओकेशन होगी, प्लस कनाडा इज़ अ फैबुलस कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, ये देखेंगे वो देखें। इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अगर सिंपल से ये भी लिख देंगे ना कि मैं इनको ओकेशन के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ और उसके बाद हम जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ट्रैवलिंग में, वो भी सफिशेंट रहता है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता। साथ में इन्वाइटी को भी ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन से बचना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे तो वो भी आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। कोई ना कोई ऐसा वर्ड हो जैसे काउंसलर को लगे कि आपके जाने की इंटेंशन ठीक नहीं है या पर्पस स्ट्रांग नहीं है, तो वो उसी वर्ड के ग्राउंड पे आपकी पूरी एप्लीकेशन को भी डिनाई कर सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को तो मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था। नाउ कमिंग बैक टू सेकंड पॉइंट, ये तो हो गया पर्पस की बातें। अब आपको फाइनेंस कौन कर रहा है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है। कई केसेस में इन्वाइटर स्पॉन्सर भी करते हैं, यानी आपके फ्रेंड बोलेंगे ठीक है जी मैं इनको बुला रहा हूँ, शादी का ओकेशन है और यहाँ पर इनकी बोर्डिंग और लॉजिंग का सारा खर्चा मैं दे रहा हूँ, बट फ्लाइट और वीज़ा ये खुद कराएंगे। तो ये पार्शियल स्पॉन्सरशिप होगी, फुल स्पॉन्सरशिप नहीं है। यानी वो कहते हैं कि फ़्लाइट और वीज़ा का खर्चा आप दें और वहाँ पे रहने का जो खाने पीने का सारा खर्चा है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दें। यूजुअली यही होता है। ओके, तो ये होगी पार्शियल स्पॉन्सरशिप। और कई केसेस में ऐसा होता है कि मैं इंटायर खर्चा दे रहा हूँ जी इनका, मैं फ़्लाइट भी मैं ही करा रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपने इन्वाइटर को बोलें, फिर अपनी अकाउंट स्टेटमेंट भी शेयर करें, फिर उनकी अकाउंट स्टेटमेंट भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। फिर इन्वाइटर के अकाउंट में उतने सफिशेंट पैसे होने चाहिए जिससे वो आपके फ्लाइट का और सारे खर्चे का ध्यान रख सकें। और इन्वाइटी को भी अपने सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इन्वाइटी को स्पॉन्सरशिप मिल गई, फुल स्पॉन्सरशिप मिल गई तो उनके अकाउंट की स्टेटमेंट की नीड नहीं है, ऐसा नहीं है। जा तो आप ही रहे ना, तो अभी भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। आपके जो भी अकाउंट स्टेटमेंट है वो, जहाँ पर भी आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम जहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है वो वाली स्टेटमेंट, और प्लस जो आपकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो रिटर्न फाइल किए हुए हैं टैक्स के, वो टैक्स के रिटर्न आप साथ में अटैच करें। इनके प्रूफ लगाएं, आपने जॉब करते हैं तो एनओसी लगाएं, बिजनेस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कॉपीज़ लगाएं, राइट। और ये सारी चीज़ें क्लब करके फिर आप अपनी फाइल को करें। अब प्लस पॉइंट क्या है इसमें, नेगेटिव पॉइंट क्या है। अगर आपकी फ्रेंडशिप क्लोज है और आप पहले भी बाहर ट्रैवल कर चुके हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और बट आपका अगर बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट है, आप कहीं पर भी नहीं गए हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगर ये फ्रेंड की मैं इनविटेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई फैमिली का पर्सन इनविटेशन के लिए बुलाता है या स्पॉन्सरशिप पे बुलाता है, तो उस केस में तो चाहे आपका फ्रेश पासपोर्ट भी हो तब भी वीज़ा लगने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। यानी फैमिली, सगा भाई बहन, मम्मी पापा, ये वाला जो सर्कल होता है। अगर बिल्कुल ब्लड बॉन्ड आपको कोई बुलाता है फिर तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। बट कोई फ्रेंड अगर आपको बुलाता है तो उस केस पे फ्रेश पासपोर्ट पे सक्सेस रेट अच्छा नहीं है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर आपका ऐसा मोटिव है कि यार मैं अगले साल कनाडा जाना चाह रहा हूँ, तो इस साल अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और बाहर कहीं पर ट्रैवल करें, 2-4 कंट्रीज़ में ट्रैवल करने की कोशिश करें। एक ट्रिप में 1 से ज़्यादा देश देखने की कोशिश करें। और ये नहीं कि एक ही ट्रिप में आप 5 कंट्री घुमाएं और एक दिन घुमाएं, वो पकड़े जाते हैं। फिर तो दिख गया कि आपने डेस्परेशन में ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई है और एक्चुअल में आपका मोटिव नहीं था। उस केस में बनता काम भी बिगड़ जाएगा और आपके पैसे लगे वो अलग। तो इसलिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री शुड मेक सेंस। आप हर जगह 2-2, 3-3 दिन रुकें आराम से। अगर 1 कंट्री या 2 कंट्री में जा रहे हैं तो 3-3 कंट्री का स्टे दिखाएं। 3 कंट्री हैं तो 3-3 करके एक आधी कंट्री में 2 भी कर सकते हैं। इस तरीके से, जिसमें एक्चुअल में जो एज अ टूरिस्ट कोई जाता है तो उसको पता है मेरे को इतना टाइम चाहिए उस देश को देखने के लिए या इस डेस्टिनेशन को देखने के लिए, तो उतना टाइम वहाँ पर दें। आप अगर अपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो एकोमोडेशन में करें, फ्लाइट को एडवांस में बुकिंग करा के करें, दिन को कम करने वाली गलती ना करें। ये मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये कोई ऑफिशियल रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा कोई एम्बेसी नहीं कहती। ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टे अपना प्रैक्टिकल रखें। साथ में आप जब भी आप जाते हैं, यानी आप चाहे स्पॉन्सरशिप में जाएं चाहे आप इनविटेशन में जाएं, तो उस केस में आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि आप जो भी जगह स्टे कर रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ लगाएं। आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से कहिए कि आपके घर का कोई प्रूफ हो, काइंड ऑफ हाउस टैक्स आपने पे करा हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जो आपके नाम पे हो, या आपका पीआर या पासपोर्ट कॉपी हो जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो। अगर ऐसा कुछ है तो उसको साथ में अटैच करना रिकमेंडेड होता है। अगर आप होटल में रह रहे हैं तो उस होटल की जस्टिफिकेशन दे सकते हैं एक वाउचर के साथ कि भाई मेरा होटल है, इसकी रिजर्वेशन वाउचर ही है, मैं होटल में रहने वाला हूँ और ये वाली जो इवेंट को मैं अटेंड करूँगा, इस होटल में मैं रुकूँगा, उसके बाद आई विल कम बैक। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ़ाइल में दिखनी चाहिए। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ का प्रूफ लगाएं। साथ में जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में अगर और बात करें तो आप अपनी फ़्लाइट की टिकट भी लगा सकते हैं और लगानी भी चाहिए। आप अपनी फ़्लाइट की PNR कॉपी लगाएं। इसमें कंफर्म टिकट की एज ऑफ नाउ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे होती भी नहीं है कनाडा में, क्योंकि बहुत महंगी टिकट्स होती है। इनकेस कनाडा ने वीज़ा नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। होटल में अगर आप करते हैं तो होटल में जनरली नुकसान इतना नहीं होता है तो थोड़ा बहुत कैंसिलेशन चार्ज होता है, बाकी वो भी नहीं होता। और फ्लाइट हो गया, होटल हो गया, और इसके बाद आप अपनी ट्रैवल आइटनरी को मेंशन कर सकते हैं, मेरा डे वाइज ये प्लान है, दैट्स ऑल। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लब करें और फिर लगाएं। ध्यान रखें, जैसा मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस पॉइंट्स का। तो आप अपने फ्रेंड की इन्विटेशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो से मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी डिटेल्स मिली होगी, आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी आर अवेलेबल। अदरवाइज इस चैनल पर सारी आपको गाइडेंस मिलेगी, जिससे आप सारी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।